अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन देगी पुलाव। इसके लिए मेरे पास है चावल 2 कप। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया है पानी में। चिकन 1 किलो, 1 बड़े साइज का प्याज, 3 टमाटरों का पेस्ट, लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 6 खाने का चम्मच और खुश्क मसालों में मेरे पास है पुलाव मसाला 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच और खुश्क मसालों में मेरे पास है दारचीनी के 2 टुकड़े, बादियान के 2 फूल, सब्ज इलायची 1 बड़ी इलायची और लौंग के तकरीबन 6 अदद और नमक 1 खाने का चम्मच। पैन को मैंने एक चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें फ्राई करूंगी प्याज। इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, सारे मसाले शामिल। इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भून लेना है और इसके बाद चिकन शामिल करना है। मसाले भून चुके हैं, अब चिकन शामिल करें। और इसके साथ तकरीबन 1/2 कप पानी शामिल करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चले अब इसको पकाते हैं। तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। चिकन पक जाएगा तो फिर चावल शामिल करें। मैं इसका ढक्कन हटाकर इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी सुरख मिर्च, साबुत सुरख मिर्च, ये चूंकि बहुत ज्यादा तेज है तो इसलिए मैं साबुत शामिल और नमक 1 खाने का चम्मच। चले चिकन को फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप 1 चाय का चम्मच काली मिर्च भी शामिल करें। ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें पानी शामिल करें।
चुके हैं। अब इसमें शामिल करते हैं पानी। 2 कप चावल है तो 4 कप पानी शामिल करेंगे। और इसमें जो मसाला मैंने डाला है पुलाव मसाला, वो है देगी पुलाव मसाला। ये 4 कप पानी हो गया है। अब इसको उबाल आने तक हम पकाएंगे। इसमें उबाल आ जाए तो चावल शामिल करते हैं। और चावल मैंने लिए है सेला, क्योंकि पुलाव में सेला चावल छोटे हो बहुत मजे के होते हैं, उसका जायका ज्यादा अच्छा होता है। जी पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें शामिल करते हैं चावल। चावल को मैंने धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख देंगे। अगर आपने चावल तकरीबन 2 घंटे के लिए पको लिए हो तो फिर तकरीबन 10 मिनट में ये पक जाते हैं। आंच को हल्की करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। जी तो 20 मिनट हो चुके हैं और चावल को चेक करते हैं। बहुत मजेदार पुलाव तैयार हो गया है। चले इसको डिश आउट करते हैं। बहुत मजे का चिकन देगी पुलाव है, आप जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।